friends, today I will find easy trick to find the values of sine, cos, tan, cot, secant and cosecant theta. It's very simple method. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट आप लोगों ने लिखना है. उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है साइन थीटा, ठीक है, और 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 हम लोगों ने लिख लिया. अब हम लोगों ने करना क्या है, सबको डिवाइड कर देना है 4 से 4, 4, 4 एंड 4. जब हम लोगों ने 4 से सबको डिवाइड कर दिया, अब हम लोगों ने सबका स्केयर रूट ले लेना है. स्केयर रूट 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. तो 0/something = 0, सो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0. और 1/4, 4 का स्केयर रूट आपके पास 2 होता है, तो 1/2. इसको पहले सॉल्व करेंगे 2/4 यानी कि 1/2, तो इसका फाइनल आ जाएगा 1/√2. इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा √3/2, और इसका 4/4 √1 = 1. अब आपके पास साइन की वैल्यूज आ गई. साइन 0 degrees = 0, साइन 30 degrees 1/2, साइन 45 degrees 1/√2, और साइन 60 degrees √3/2 एंड साइन 90 degrees = 1. जब आपके पास साइन की वैल्यूज आ गई हैं, इसी तरह आप कॉस की वैल्यूज निकाल सकते हैं. कैसे, कॉस जो 0 degree होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है. अब जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की होगी, यानी कि कॉस 30 = √3/2, और साइन 45 degree, कॉस 45 degree सेम वैल्यूज हैं, 1/√2, और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 degree की वैल्यू होगी, यानी कि साइन 30 degree है 1/2, सो कॉस 60 degrees = 1/2. एंड साइन 90 = 1 होता है, कॉस 90 degrees = 0 होता है. दोस्तों अब हमें एक चीज़ पता है कि टेन थीटा, टेन इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस. साइन ओवर कॉस करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, टेन की वैल्यूज आएंगी. अब टेन की वैल्यूज हम लिखते हैं, तब आपके देखें टेन साइन ओवर कॉस 0/1 तो 0 degree, साइन 30 1/√3/2 √3/2 है, तो आपके पास देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन 30 होता है 1/√3. सिमिलरली आपके पास देखें टेन 45 degrees √2 से √2, तो 1 आंसर आ जाएगा. इसी तरह 2 से 2 कैंसिल, तो टेन 60 degrees = √3, और 1/0 = ∞ होता है. और जो अब हमें ये भी पता है कि टेन का इन्वर्स होता है कॉट, सो कॉट की आपके पास वैल्यूज़ क्या आएगी, 0/0 = 0, ये उलट हो जाएगा, अंडर पास आ जाएगा 1/√3. और सिमिलरली इसका जो आपके पास आ जाएगा 1/∞, 1/0, तो आपके पास इसका जो टेन का है 1/∞ इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है जी, 0. तो ये आपके पास फाइनल वैल्यूज़ हैं साइन की, कॉस की,
टैन की, कॉट की। सिमिलरली इसी तरह आप सेक और कोसेकेंट की भी वैल्यूज़ इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन्स का बटन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड लेटेस्ट आपको वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।